लो अब खुशी की एक खबर सुनो, तुम माशाल्लाह नानी बनने वाली हो। अब के मिलने आना तो ढेरों मिठाई लेकर आना। हमारी बेटी माँ बनने वाली, इन हालात में वो लोग तो उसे बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। लाली माँ ने कहा है अपनी दर्जन से कि आपके लिए सफेद लट्ठे के जोड़े बना दे। लेकिन क्यों? रंग बरंगी पोशाकें सिर्फ सुहागनों पे जचती हैं और आप तो फहद साईं की बेवा हैं। सुल्तान ने बाकायदा मेरे वालिद से रिश्ता मांग कर मुझसे शादी की। तुम सारंग हो और मैं सुल्तान, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ आमना। मेरी बीवी आप कितना पढ़ी हुई हैं बीबी जी? फिर से बीबी जी? या अल्लाह, आपके कमरे में बाजी कहूंगी ना आपको। जहां कर मैंने कह दिया और किसी ने सुन लिया ना तो मेरी खैर नहीं है। एक बात तो बताओ जुलेखा, तुम यहाँ की औरतों का एहतराम करती हो या उनसे डरती हो? एहतराम करती हूँ बीबी जी, ये लोग हमारे माई बाप हैं और आपके भी। माई बाप, इतना बड़ा एजाज तुमने किस खुशी में दिया इन लोगों को? बीबी जी ऐसा ना कहें, ताश्वीन बीबी, लाली माँ, साईं और आप लोग सब इज्जत वाले हैं और हम खाक हैं। ये लोगों की इज्जतों की क्लासिफिकेशन किसने की है जी? क्या केशन? देखो जुलेखा, ना तुम खाक हो ना मैं पाक हूँ। मैं वैसी औरत हूँ जैसी तुम हो, बल्कि मैं तो तुमसे भी गई गुजरी। ना बीबी जी, आप ऐसा ना कहें बीबी जी। हाँ तो और क्या, मेरे कमरे से मेरे पूछे बिना मेरा सामान उठा लिए जाते, मेरे कपड़े उठा लिए जाते, ये तो इज्जत है मेरी। बीबी जी, अल्लाह आपको चांद जैसा बैठा दे, आप ऐसा ना कहें। बेटा, इसकी क्या गारंटी है कि मैं चांद जैसा बेटा ही पैदा करूंगा? या अल्लाह, आपको अल्लाह का वास्ता है बीबी जी, आप ऐसी दहला देने वाली बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरे साथ तो बिल्कुल ना करें। जुलेखा, कामचोर तुझे लाली माँ बुला रही है अभी के अभी। तुझे दिख नहीं रहा है कि बीबी जी का दिल बहला रही हूँ? दिल तो तेरा लाली माँ बहलाएंगी ना, जरा तू आ तो। मैंने सुना है तूने भी तोता पाला हुआ है। तोता? नहीं तो लाली माँ, मैंने तो कोई तोता नहीं पाल रखा। कमबख्त औरत, झूठ बोलने वालों को मैं उल्टा लटका देती हूँ। मोबाइल नहीं है तेरे पास? मोबाइल? जी लाली माँ, मोबाइल है। सच सच बता, समरा की कितनी दफा बात कराई है उसकी माँ से? नहीं लाली माँ, मैंने बात नहीं कराई लाली माँ। झूठ बोलने वालों के साथ जो मैं करती हूँ वो तू जानती है। नहीं लाली माँ, जिसकी भी कसम ले ले, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बक न कर, चल अपना तोता लेकर आ, अभी पता चल जाएगा। है जी। अरे कूड़ मगज औरत, अभी तो बताया कि तोता तेरे मोबाइल को कह रही हूँ, चल जाकर लेकर आ। लाली माँ। क्या है? वो लाली माँ, समरा बीबी के वालिद साहब आए। वालिद साहब? हाँ जी, उनके अब्बा जी। वो कह रहे हैं कि
अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं वो। हैरत है? अकेला आया है या घरवाली को साथ लाया है? ना जी, अकेले आए। तो बिठा दिया उसे मर्दाने में? हाँ जी, बिठा दिया। चाय पानी भिजवा देना। अजीब लोग, मुंह उठाए चले आते। भैया आना ही था तो पहले फोन करता, साथ में बीवी को लेकर आता। बैठा रहने दे उसे, जब तक इंतजार में सूख कर कांटा नहीं हो जाता, बैठा रहने दे। जो हुक्म लालिमा। हाँ, खबरदार जो तूने समरा को बताया कि उसका बाप आया हुआ है। ना ना लालिमा, इस बात की तो आप मुझसे उम्मीद ही ना रखे ना। ये बात तो आप इसको रखा को समझाएं। तू अभी जाएगी ना भागी हुई अपनी समरा बीबी को बताने, है ना? नहीं नहीं लालिमा, मैं समरा बीबी को नहीं बताऊंगी। सब करेगी तो तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगी, समझी? दफा हो जाओ, चलो। लालिमा मैं भी जाऊं। जा जा। सुनो, तुम वही हो ना जो समरा के रिश्ते के वक्त मेरे घर आई थी सबके साथ? जी जी। देखो मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, लेकिन आप चाय पी ले साईं। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। लालिमा का हुक्म नहीं है तो फिर लालिमा से कहो मुझसे मिलने। जी, मेरी बेटी को किसी ने ये बताया है कि मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ? नहीं जी। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। ये रख लो। नहीं साईं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ये सारे रख लो, ये सब रख लो। मेहरबानी साईं। मेरा सिर्फ एक काम कर दो, मेरी बेटी को सिर्फ इतना बता दो कि मैं उसका यहां इंतजार कर रहा हूं। या अल्लाह, किस कदर अजियतनाक बात है। आपको तो किसी के इंतजार की आदत भी नहीं है, 5 मिनट में आपका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। राबिया, मैं इससे ज्यादा अजियत और तकलीफ उठाने को तैयार हूं, लेकिन मैं कसम खा रहा हूं कि मैं आज अपनी बेटी से मिले बगैर वापस नहीं आऊंगा। नजफ, आप ऐसी कसमें मत खाया करें, मुझे बहुत डर लगता है जब आप कसम खाते हैं। तो अब तो खा चुका, बस अब दुआ करो कि तुम्हारे सामने मैं सुर्ख होकर पहुंचूं। रहने दे, मैं पहन लूंगी। जी। वो समरा का बाप अभी तक बैठा हुआ है? जी लालिमा, अभी तक बैठा हुआ है, गया नहीं है वो, हालांकि पूरे 4 घंटे हो गए। कुछ कहा उसने? जी लालिमा, कहा भी। और क्या? और लालिमा, उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है, पूरे 5,000 रुपए, लेकिन
कसम गोरखपीर की लाली माँ, मैंने एक रुपया नहीं लिया उससे, और भला मैं उससे क्यों लूंगी? आपकी करम नवाजियां मुझ पे वैसे ही बड़ी है लाली माँ। मेरा क्या थी? सुलेखा जी, बीबी जी, फिर से बीबी जी? जी समरा बीबी। क्या बात है सुलेखा, क्या हुआ है? कुछ नहीं बीबी जी, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे को बात करना चाह रही हो, कुछ बताना चाह रही हो? नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रही। वो मैं चाय तो भूल कर ही आ गई, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। मैं असर से ईशा तक खुसूसी इबादत करती हूँ, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से ही मिलने आया हूँ। मेरा ख्याल था आप पहली मर्तबा समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ गैर मर्द जनाने में नहीं जा सकता, और जनाने की कोई औरत यहाँ मर्दाने में नहीं आ सकती। वो मेरी सगी बेटी है लालिमा। किसी की बेटी के लिए अपनी हवेली के उसूल नहीं तब्दील कर सकते। जी नजफ, नजफ नाम है। हाँ जी। लालिमा, मैं ये तय करके आया हूँ कि मैं अपनी बेटी से मिले बगैर यहाँ से जाऊँगा नहीं। कसम खाने से पहले आपने हमसे तो पूछ लिया होता। आप इबादत में मसरूफ थी, मैं किससे पूछता? तो आप यहाँ अपनी जिद मनवाने आए हैं? नहीं लालिमा, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे मिन्नत कर रहा हूँ। खुदा रहा मुझे मेरी बेटी से मिलवा दें। आपको सुल्तान की मौजूदगी में आना चाहिए था। मैंने सुल्तान भाई को बहुत फ़ोन किए, बहुत मैसेजेस दिए, लेकिन उन्होंने मेरे किसी मैसेज, किसी फ़ोन का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा। मेरा बेटा बहुत मसरूफ आदमी है, किसी काम में उलझ गया होगा। आप ठीक कह रही हैं, मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा हूँ इस बात, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी बेगम के हमरा आना चाहिए था। वो तो आना चाह रही थी लाली माँ, लेकिन मैं खुद ही उसे लेके नहीं आया। अब वो आ जाती तो वो तो चली जाती ना अपनी बेटी से मिलने, और मैं फिर इसी तरह मर्दाने में बैठा सड़ता भूलता रहता। मैं माफी चाहती हूँ, आप कल आइएगा और बेगम को हमरा लेके आइएगा। नहीं लालिमा, नहीं। नहीं मतलब? मैं ये कसम खा के आया हूँ कि मैं आज अपनी बेटी से मिले बगैर यहाँ से जाऊँगा नहीं, चाहे मुझे यहाँ मजीद 5 दिन बैठना पड़े। बेटी के ससुराल में जिदबाजियाँ नहीं चलती। मैं बिल्कुल जिदबाजी नहीं कर रहा हूँ लाली माँ,
मैं तो सिर्फ इस उम्मीद पे आया था कि आप पीरो मुर्शद हैं, आपके दर से कोई शख्स खाली हाथ वापस नहीं जाता। कि मेरे हाथ जुड़े हुए खुदा के लिए मुझे भी खाली हाथ वापस ना लौटा, मुझे मेरी बेटी से मिला दे लाली माँ। मैं दोबारा माफी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं भी उस वक्त तक यहीं बैठा रहूंगा जब तक आप मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाते। जमानी चिलाली माँ, जनाने में पर्दे का बंदोबस्त कर दो, बहू यहां नहीं आएगी, लेकिन इन्हें ले जाओ वहां। चिलाली माँ, समरा, बाबा, कैसे हम? कुछ देर पहले तो बिल्कुल मरने वाला था, ऐसा लगता था वेंटिलेटर पे हूं, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं। बेटी को देख लिया ना अपनी, फिर से जी गया हूं। बोलो देख लिया प्लीज। मम्मी को नहीं लाए? क्यों, मुझे देख के खुशी नहीं हुई तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको देखकर तो मैं इतना खुश हुई हूँ, इतना खुश हुई हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बस अच्छा अच्छा इतनी खुश ना हो जाना कि मेरी नजर लग जाए तुम्हें। आपकी नजर नहीं लग सकती, लग ही नहीं सकती। बीबी जी, आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं, जाओ। जी बीबी जी, मुझे पता है मेरे बाबा को कैसी चाय पसंद है, मैं खुद बना के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय वाय नहीं पीनी है, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी को देखना है। बाबा, मेरा ना यहाँ पे दिल नहीं लगता, मुझे और यहाँ पे नहीं रहना। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के पास वापस आ जाऊं। दम घुटता है मेरे यहाँ पे, एक एक सांस लेना मुश्किल है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, आप खुद देखिए, ये लोग मुझे घर नहीं जाने देते, आप लोगों से नहीं मिलने देते, फोन पे नहीं बात करने देते, कहाँ होता है ऐसा? आप खुद बताए कहाँ होता है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो ना, इतने रीत रिवाज को तोड़ के मैं बैठा हूं ना तुम्हारे सामने, है? ये हमारी पहली जीत है, और मैं अगली दफा आऊंगा तो तुम्हें लेके जाऊंगा यहां से। सच? बिल्कुल सच, वादा। मैं आपका इंतजार करूंगी, फिर आपने अपना वादा याद रखना, मुझे घर लेकर जाने वापस। हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा।
मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। आई प्रॉमिस। उन जालिमों ने मेरे बेटी को हवेली में कैद कर रखा है, उसे आने नहीं देते। उसका बाप मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। देखा तुमने, बाप की मोहब्बत ने आज पहाड़ में दरार डाल दी। अच्छा, आप बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं? मोहब्बत में इतना इतराने की क्या जरूरत है? बेगम, तुम मेरी जीत और मेरी मोहब्बत से जलस हो रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपकी मुलाकात बेटी से सिर्फ मेरी दुआओं की वजह से हुई है, वरना लाली माँ तो 4 घंटे की जगह 4 दिन ही बिठाए रखती है आपको। मैंने भी ऐसी एक्टिंग की, ऐसे जज्बाती डायलॉग बोले कि लाली माँ लाल पीली हो गई। अच्छा, अब बाकी बातें घर आकर होंगी। कितनी देर में पहुंच रहे हैं आप? 1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम, और वो भी गाड़ी बहुत तेज भगाने पे। अरे नहीं नहीं, 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे लगा लीजिएगा, मगर गाड़ी एहतियात से चलाएं। अरे मैं तो हवाओं में उड़ रहा हूँ, जानती हो समरा मुझसे ऐसे मिली जैसे सदियों बाद मिली। नजफ, वैसे आप बहुत जालिम हैं, मुझे भी साथ ले जाते ना, आपकी मोहब्बत में कोई कमी तो नहीं आ जाती। हाँ वो तो है, लेकिन अच्छा अच्छा, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ और मैं आपके लिए शाही टुकड़े बनाने जा रही हूँ। बस आप आ जाएं, फिर हम मिलकर खूब सारी बातें करेंगे समरा की। छोटी बेबी, क्या 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 हुआ छोटी बेबी? आप खाप खाप देखा आपने? मैंने खाप देखा कि सब लोग रो रहे, सबके सब रो रहे। आंटी, अयमन, आप ना सो जाए आराम से, मैं यही भी बैठी हूँ, है ना? सवारी तुम सो जाओ। अब मैं क्या खाक सोऊंगी छोटी बीबी, मैं तो इतनी कोई जोर से गिरी हूँ, मेरे तो घुटने ही रह गए, टूट गए मुझे लगता है। आप सो जाए, मैं यहीं पे बैठी हूँ आपके पास, सो जाए आप। अच्छा तो फिर ऐसा करें ना, तो मैं तकिया ले लूँ। अच्छा मैं तकिया ले लेती हूँ, फिर यहीं पे लेट जाती हूँ, आप कह रही हैं तो इतना यहाँ पे सो जाती हूँ मैं। सो जाए आप भी। या अल्लाह खैर, ये तो समरा का फोन है। इन कमबख्तों को ना दिन को चैन है ना रात को। जमानी, ओ जमानी, ये कहां मर गई मरदूद? ओह, मगरमच्छ की तरह टांगे पसार कर सो रही होगी कहीं।
इसका तो मैं सुबह टंटा खत्म करती हूँ, सिम उठा के फेंक दूंगी, फिर ना इसकी टेंटा रहेगी और ना ये तोता। पूछो क्या हाल दिल था, क्या हाल दिल है, जीत के आए हार ये मन की, तुमको पता था हमको पता है। ओए, मौत क्यों नहीं आ जाती इनको? ये शहर के लोग रात को सोते ही नहीं उल्लुओं की तरह, ना दूसरों को सोने देते। हेलो हेलो आंटी। है ये कोई टाइम है फोन करने का? अभी शाम को तो गया समरा का बाप उससे मिलकर, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने लग गई बेटी से बात करने के लिए। आंटी मैं एमन बात कर रही हूँ। कौन? एमन समरा की दोस्त, आई थी ना आपके घर उससे मिलने, आपको याद है? ओए होए, तुम लड़कियों को तो तहजीब की अलिफ बे नहीं आती। ये कोई टाइम है फोन करने का और सहेली से प्यार बगाड़ने का? आंटी क्या मेरी समरा से बात हो सकती है? भाई बड़ी मोटी खाल है तुम्हारी, मैं तुम्हें आड़े हाथों ले रही हूँ और तुम कहे जा रही हो कि सहेली से बात करवा दो। आंटी एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? नजफ अंकल, वो समरा के बाबा। हाँ क्या हुआ उन्हें? अभी शाम पड़े तक तो यहीं थे। आंटी उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या जी? आप प्लीज समरा को बता दीजिएगा और हो सके तो उसे कराची भेज दीजिएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन वो पुरुमेद नहीं है। अंकल की हालत बहुत सीरियस है। बगैर सीट बेल्ट पहने नेशनल हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे। सर और उनकी बैकबोन बुरी तरह डैमेज हो गई है। गॉड, मैं सच्ची कह रही हूँ लालिमा, समरा भी सो रही थी, अचानक से उठ के बैठ गई और कहने लगी मैंने ख्वाब में देखा है मेरे सारे घर वाले रो रहे हैं। बड़ी सब्ज कदम, उसको तो बिशारतें भी नहुसत वाली आती हैं। हलीमा आप क्या करना है? क्या करना? मेरे चेहरे से तुझे नजर नहीं आता कि क्या करना है? लालिमा कुछ मुझे समझ में आ रहा है लेकिन ना मैं फोड़ जैसी हूँ, आप वजाहत से समझाएंगी ना तो मेरी मोटी अकल में समझ में आ जाएगा। ये लोग पहले से ही क्राइसिस हैं समरा की वजह से और अब ये अंकल का एक्सीडेंट। बहुत बुरा हुआ है। अरे अहमन तुम रो मत, प्लीज रो मत। देखो अभी तक डॉक्टर ने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया। आई थिंक हमें ये बात आंटी से छुपानी चाहिए। किसी सूरत उसको ये खबर नहीं मिलनी चाहिए। वो हमल से है और हमल में ऐसी खबर मिलने से हमारे होने वाले पोते की जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल ठीक लालिमा, बिल्कुल ठीक। लेकिन लेकिन क्या लालिमा? छोटा मुंह और बड़ी बात है, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ ना तो आप मेरे सर पे 100-100 जूते मारिएगा। अरे नहीं मारूंगी, फूट तो सही। मैं ये सोच रही थी लालिमा कि मैं और आप तो बताने वाले हैं नहीं छोटी बीबी को, लेकिन वो चाहिए थी जुलेखा और वो आपकी ताशवीन की बात कर रही है जी लालिमा।
जानती हूँ। उन दोनों को उसकी भोली भाली सूरत से हमदर्दी हो गई है। वही तो लाली माँ, अगर उन दोनों ने समरा बीबी के वालिद की सूरत हाल समरा बीबी को बता दी और इस बच्चे को कोई नुकसान हो गया तो आने बकवास न कर। वही तो है इस हवेली की वाहिद उम्मीद, उसके बारे में कुछ कहने से पहले सोच लिया कर। मेरे मुंह से तो ऐसे ही निकल गया लाली माँ, मैं तो एहतियात की वजह से बोल रही थी। तू एक काम कर, हवेली की जितनी लैंडलाइन है उन सब की तारें निकाल दे, और वो जुलेखा का मोबाइल है ना वो तू अपने कब्जे में कर ले। बिल्कुल ठीक लाली माँ, बिल्कुल ठीक। पर लाली माँ, लेकिन क्या? अगर उन्होंने वड्डे साहब को फोन कर डाला तो? अरे सुल्तान तो उनका फोन ही नहीं उठाता और ना ही उठाएगा, वैसे भी इस वक्त वो अपनी मुसीबतों में उलझा हुआ। लाली माँ, मेरे दिमाग में एक बात चल रही। क्या? देखे ना, ये शहरी लोग जो होते ना, ये हम देहातियों को बड़ा गंवार और जाहिल समझते हैं। तो कहना क्या चाहती है? अरे माँ, छोटी बीबी के अब्बा आए, उनसे अकेले कमरे में बैठ के बात की, चले गए और अचानक से ये खबर आ गई। तो लाली माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों बाप बेटे मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, ऐसा कोई एक्सीडेंट होना। और लाली माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि छोटी बीबी इस हवेली से निकलने की कोई साजिश कर रही हो। ये की ना तूने 16 आने सही बात। तू हवेली के सारे फोन बंद कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। समझे? हो गए बस लाली माँ। कर ले अपनी अम्मा से बात समरा बीबी। आंटी चाय पी ले। फोन ही नहीं उठा रहा। चाय नहीं, अभी मैं जरा लाली माँ से बात कर लूँ पहले। आंटी इस वक्त वहाँ सब सो रहे होंगे ना, आप चाय पी लें। अच्छा चलो, मैं फजर के वक्त कर लूँगी, नमाज के लिए तो उठते ही है ना सब लोग। जी ऑपरेशन हो गया? हाँ जी ऑपरेशन हो गया है, लेकिन मिसेस नजफ वो भी तो क्रिटिकल कंडीशन में है। क्रिटिकल? मैं समझी नहीं। उनके सर पे चोट लगने की वजह से को होश नहीं आया, वो अब तक कोमा में है। पापा बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाले हैं, वादे के पक्के भी हैं। या अल्लाह उन्हें सेहत वाली जिंदगी
पर इतनी हिम्मत अता फरमा कि मुझे इस कैद खाने से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा कर ले जाए, ना मेरे बाबा को हिम्मत अता फरमा अपना वादा पूरा कर सके, मुझे यहां से निकाल के ले जाए। भाई अब वहां जाकर उसे लाने के सिवा और कोई चारा नहीं। बेटा बहुत मुश्किल है घर बैठना। अच्छा क्या करते हो, बैठेंगे तो बोलो दोनों। कैसे करते बैठे, बारे करता हूँ। मिस एमिन कैसी हैं आप, आइए। अच्छा कोई सेलिब्रेशन चल रही है? नहीं, मेरा दोस्त आया सारंग, सारंग दरवेश। दरवेश इसीलिए उसने अपना ये नाम रखा ताकि लोग चौंक जाए। सही भी तो है, लोग चौंक भी तो जाते हैं। तो ये भी डॉक्टर है कह सकते हैं, एक एंटरटेनिंग डॉक्टर फॉर चिल्ड्रन ओनली। मौसूफ कभी बच्चों के स्कूल में पाए जाते हैं पढ़ाते हुए, कभी बच्चों के अस्पताल में जैसे अभी। देखिए गुब्बारे, चॉकलेट्स, चिप्स, छोटी छोटी चीजें देकर कोई बड़ी बड़ी नेकियां कमा रहा है। तो इनका इन बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं? यही तो बात है। जरूर तुमने कुछ कहा होगा, है ना? है ना? गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, गुस्सा नहीं किया को। नो नो गुस्सा। खुशी हुई इनको देखकर। मैं तो समझती थी कि ऐसे लोगों की मैन्युफैक्चरिंग अब खत्म हो चुकी है। आंटी ये है सारंग, डॉक्टर काजिम के दोस्त, ये हमारी हेल्प करना चाहते हैं। बेटा तुम सुल्तान फनियार से बड़े किसी सियासतदान को जानते हो? मेरा मतलब वजीर आजम, सदर, चीफ मिनिस्टर या कोई और। लेकिन आंटी किस लिए? उन जालिमों ने मेरी बेटी को हवेली में कैद कर रखा है, उसे आने नहीं देते। उसका बाप मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। बेटा खुदा के लिए मेरी बेटी एक मुलाकात उसके बाप से करवा दो। प्लीज प्लीज कुछ भी कर।